नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। बड़ी खबर आ रही है पीओके को लेकर, जिसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कल एक रैली करने की घोषणा की थी, लेकिन आज भारत के जनरल बिपिन रावत जो सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि भारत की सेना पीओके में कोई भी एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जी हाँ, आज जब बिपिन रावत बात कर रहे थे तो लोगों ने, वहाँ जो पत्रकार थे, उन्होंने सवाल किया कि क्या सेना तैयार है, तो उन्होंने कहा कि सेना तो हर समय तैयार रहती है, अब सरकार को निर्णय लेना है कि कब हमें कूच करना है। निश्चित तौर पर ये जो बयान है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहाँ के सेना अध्यक्ष कमर जावेद बाजवा की पेंट गीली करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि अब तक वो लोग युद्ध की धमकियां दे रहे थे और वहाँ के मंत्री ये दलील दे रहे थे कि हमारे पास पाव आदि पाव का, यानी कि 250 ग्राम और 150-125 ग्राम के हमारे पास बम हैं और हम भारत के साथ किसी भी तरीके का खेल कर सकते हैं। लेकिन अब उनके खेल की हवा निकल गई है, जिसका आज जवाब भारत की सेना के अध्यक्ष ने दे दिया। और कल हमने आपको बताया था कि भारत के DRDO ने एक ऐसी पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर का वो परीक्षण किया था जिसको एक सैनिक ले जाकर कहीं से भी छोड़ सकता है और 2.5 किलोमीटर दूर से ये किसी भी टैंक को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। उसके अलावा भारत को अब राफेल भी मिलने वाला है, जिसके लेकर वायुसेना प्रमुख पहले ही कह चुके हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। और आज जब भारत के सेना अध्यक्ष ने कह दिया है कि सेना पूरी तरीके से तैयार है, मुस्तैद है, हमें सिर्फ आदेश का इंतजार है, और आदेश क्या होगा इसकी घोषणा रक्षा मंत्री ने 2-3 हफ्ते पहले कर दी थी कि अब अगर बात होगी पाकिस्तान से तो वो पीओके को लेकर होगी। और यही वजह थी कि पाकिस्तान की हालत पतली थी और पहले वो यूएन में गया, यूएनएचसी में गया, और वहाँ उसने यही गुहार लगाई कि भारत को रोको, नहीं तो ये हमसे पीओके को छुड़ा लेगा। दरअसल पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत के ही राज्य कश्मीर, जम्मू कश्मीर के दो बड़े हिस्से हैं जिनको पाकिस्तान ने अवैध रूप से 70 सालों से कब्जाया हुआ है और उसको लेकर वो पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है, तमाम झूठ बोलता है। लेकिन अब उन झूठों की पोल पूरी तरीके से खुल गई है। जब UNSC की मीटिंग चल रही थी, उसके बाहर गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने और बलूचिस्तान के लोगों ने जिस तरीके से नारेबाजी की, और उसी मीटिंग के अंदर दो शख्स जो गिलगित बाल्टिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, जिनमें एक कर्नल थे, रिटायर कर्नल, और एक थे सैन सेरिंग, जिन्होंने जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने बात रखी और बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। इसको लेकर पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी, जब भारत के भी राजनयिकों ने पूरी तरीके से उसको बेनकाब कर दिया। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुक रहा है, अब एक और बड़े यूरोपियन यूनियन के बड़े अध्यक्ष रहे, यूरोपियन कमीशन, जो कि इम्प्लीमेंटिंग या एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन कमीशन के प्रमुख रहे ब्रायन टोल ने कहा है कि धारा 370 को हटाना भारत का एक आंतरिक निर्णय है, जिससे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा विकसित होने का मौका मिलेगा, क्योंकि 370 लगे होने की वजह से वहाँ पर आर्थिक विकास उस तेज़ी से नहीं हो पा रहा था जिस तेज़ी से भारत के अन्य हिस्सों में होता है। और जहाँ तक बात गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके की है, तो गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो अवैध है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का ही हिस्सा है। ऐसा ही बयान एक बार पहले भी संसद दे चुकी है ब्रिटेन की संसद, और उसने स्पष्ट किया है कि गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके पूरी तरीके से भारत के हिस्से हैं, पाकिस्तान का उन पर कोई अधिकार नहीं है। और ये वही ब्रिटिश संसद है जिसका पहले भारत और तमाम देशों के ऊपर राज चला करता था, जिससे हमने 1947 में आज़ादी पाई, और उस आज़ादी के बाद ही पाकिस्तान का जन्म हुआ था भारत के एक हिस्से के तौर पर। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा बयान है और ये बयान पाकिस्तान को अंदर से हिला देने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, मंत्री और वहाँ के तमाम जो मीडिया है, जो अमला है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि भारत ने जम्मू कश्मीर में जो कुछ किया है वो एक द्विपक्षीय मामले को एक तरफा उन्होंने फैसला ले लिया है, जबकि अब ये स्पष्ट पूरी दुनिया को हो चुका है
कि ये मामला द्विपक्षीय कहीं से था ही नहीं, भारत का आंतरिक मामला था, और किसी भी देश के आंतरिक मामले में निर्णय लेने का, कानून बनाने का जो अधिकार होता है उस संप्रभु राष्ट्र को होता है जिसका वो हिस्सा होता है, कि उसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप अतिक्रमण माना जाता है या युद्ध की स्थिति पैदा करने वाला माना जाता है। तो अब पाकिस्तान को ये समझ में तो आ गया है, लेकिन अभी उसका ड्रामा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कल पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान पीओके के मुजफ्फराबाद में एक रैली यानी जलसा करने के दावे कर रहा है। अब उस जलसे में कितने लोग आएंगे, वो लोग कहाँ से आएंगे, ये भी बड़ा प्रश्न है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान का तो आधे से ज़्यादा आबादी पाकिस्तान के जो आर्मी है और वहाँ की जो सेन, जो प्रशासन है, उससे नफरत करते हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर पाकिस्तान ने वहाँ के कई जिलों में मोबाइल और इंटरनेट को बंद कर दिया है, जबकि वो भारत द्वारा जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में 370 और 35 से हटाए जाने की शुरुआत में इस तरीके का प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर दुनिया के सामने हो हल्ला कर रहा था। लेकिन अब वही सारे हथकंडे पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में अपना रहा है, और इसके लिए उसके पास कोई जवाब नहीं है। उसकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से भारत की जो आने वाली कार्रवाई है उसके होने से पहले दुनिया के देशों का दबाव भारत पर डलवाया जाए और भारत को इस बात के लिए राजी किया जाए कि वो पीओके में कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन ये सारे के सारे पासे उसके उल्टे पड़ गए हैं, क्योंकि यूएन के सेक्रेटरी जनरल के भी जो प्रवक्ता थे उन्होंने भी कह दिया कि भारत का आंतरिक मामला है और भारत उसको अपने हिसाब से टैकल कर रहा है, और बाकी जो मुद्दे हैं उस पर दोनों देश मिलकर आपसी बातचीत के द्वारा उनको सुलझाएं, हम इसमें कोई भी मध्यस्थता नहीं करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं तो वो वहाँ पर ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनसे भी कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से मध्यस्थता करने को राजी हो जाए, और इस पर ट्रंप ने एक बयान भी दे दिया था, हालांकि उसका खंडन बाद में जो व्हाइट हाउस है उसने कर दिया। और उसके बाद ट्रंप के सामने जब G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया ट्रंप के सामने कि ये जो मामले पाकिस्तान के साथ हमारे चल रहे हैं उनमें हम किसी भी देश की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करेंगे, और हमने जो कुछ वहाँ किया है वो हमारा अधिकार था, जिस पर ट्रंप ने सहमति जाहिर की थी। ट्रंप के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो अन्य बाहरी शक्तियां हैं, अन्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भारत की हर बात का समर्थन कर चुके हैं, और तो और खाड़ी देशों ने भी भारत का इस बात पर समर्थन किया है और ये कहा है कि पीओके में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, और कश्मीर में जो कुछ हुआ वो भारत का आंतरिक मामला था। निश्चित तौर पर पाकिस्तान की हड़बड़ाहट उसको इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान को ये डर है कि भारत ने अगर पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान छीन लिया तो उसके बाद बलूचिस्तान को भी आज़ादी का मौका मिल जाएगा, और बलूचिस्तान में भी जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो अपने आप को आज़ाद घोषित कर देंगे, और ये जो आग बलूचिस्तान से निकलेगी वो खैबर पख्तूनख्वा तक जाएगी, और सिंध प्रांत में भी इसी तरीके की लोगों के अंदर एक मांग उठ सकती है, और फिर पाकिस्तान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसको बचाने के लिए पाकिस्तान की कोशिश जारी है, और इसी कोशिश में पाकिस्तान भारत में आतंकवादी भेजने की जो उसकी पुरानी आदत है उससे बाज नहीं आ रहा। आज भी जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं जिनके पास से तमाम हथियार पकड़े गए। उसके अलावा कठुआ और अखनूर के इलाकों में 13 नावें पकड़ी हैं भारत की सेना ने, जिसके द्वारा पाकिस्तान ने कोशिश कर रहा था पाकिस्तान भारत में घुसपैठ कराने की, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर नदियां हैं और नदी के दूसरी तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ भारत है। ऐसी एक नदी है चिनाब जो अखनूर से होकर निकलती है, उसी में ये 13 नावें पकड़ी गई हैं। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान एक तरफ दुनिया में जाकर हल्ला मचा रहा है, भारत के खिलाफ बोल रहा है, और दूसरी तरफ आतंकवादियों को, घुसपैठियों को भारत में भेजकर यहाँ उपद्रव और दंगे कराने की कोशिश में पाकिस्तान लगा हुआ है, जिसको कि भारत हर मंच पर उसको बेनकाब कर चुका है। लेकिन अगर ये बाज नहीं आएगा तो निश्चित तौर पर अब भारत को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसका डर पाकिस्तान को पहले से सता रहा है। लेकिन ये अलग तरीके का देश है जिसको डर भी है, उसके बावजूद ये ढीठ सा दिखाते हुए हर वो गलत काम कर रहा है जिससे कि युद्ध जैसे हालात पैदा हों।
और निश्चित तौर पर अगर इस बार युद्ध होता है तो पाकिस्तान किसी भी नक्शे में दिखाई नहीं देगा, पाकिस्तान के चार टुकड़े दिखाई देंगे। तो अब देखना यह होगा कि भारत के सेनाध्यक्ष द्वारा स्पष्ट तौर पर बता देने के बाद पाकिस्तान सुधरता है या नहीं सुधरता है, और अगर नहीं सुधरता है तो निश्चित तौर पर भारत के पास जो विकल्प बचा है वो यही है कि सैन्य कार्रवाई करके पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को सदा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, आतंकवाद के जो कैंप पाकिस्तान में चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, और उसके अलावा जो हमारा अधिकार है पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान उसको वापस इस दुष्ट पाकिस्तान से छीन लिया जाए। जय हिंद, जय भारत।